नमस्कार दोस्तों, पोनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोनिक सेक्शन के जो प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज वो देख लीजिए, क्योंकि ये जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 चल रही है, इसके अंदर के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। बेसिक के ऑलरेडी 2 वीडियोस हो चुके हैं, तो कुल मिला के ऐसे देखे तो 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पहले बेसिक देख लो, क्योंकि बेसिक अगर देख लिया तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। यहां मैं आपको क्या करवा रहा हूं, बड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ो। ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये बोलता है फॉर द पैराबोला, हमें पैराबोला देके रखा है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पॉइंट दिस, हमको पैरामीटर निकालना है। आपको पता है पैरामीटर की इक्वेशन क्या होती है, x = at² y = 280 होती है। हमारे पास में यहां पर जो पैराबोला देके रखा है वो 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है। क्या देख रखा है, गिवन पैराबोला, गिवन पैराबोला, क्या है पैराबोला हमें दिया हुआ, हमें जो पैराबोला देके रखा है दैट इज 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ये बोल रहा है फाइंड द पैरामीटर, हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द पैरामीटर, हमें पैरामीटर निकालना, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें टी निकालना है ना, इस इक्वेशन में से हमको टी निकालना है। मतलब यहां पर ये जो वैल्यूज है, अब t हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास x और y चाहिए, तो x और y तो ऑलरेडी इसने देके रखा है, x और y हमें देके रखा है, हम x की जगह पुट करेंगे, हम y की जगह पुट करेंगे, तो हमारे पास है 3 और -4। फिर हमारे पास a है क्या, नहीं है, फिर हम a कैसे निकालेंगे, तो भैया ये तो इक्वेशन देके रखी है हमको, स्टैंडर्ड इक्वेशन, हम इसको कंपेयर कर लेंगे मेन इक्वेशन से, वहां से हमको a मिल जाएगा, x और y हमारे पास है, हम इन दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे, तो t के हमारे पास फिर 1-2 जो भी वैल्यूज आना है वो आ जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन देके रखा है इसको हम अपने तरीके से लिख लेते हैं, दैट इज यहां लिखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 x, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहां लिखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है दूसरी वाली, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हम जरा इसको कंपेयर कर लेते हैं, यहां लिखो कंपेयर 1 और 2, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, कंपेयर 1 और 2। भैया देखो y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर है, x की जगह x है, 4a की जगह क्या है, 4a की जगह देके रखा है 16/3। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर इसको यूज कर लेते हैं, 4 से काट देते हैं 16, 4 बार, तो a हमें क्या मिल गया, a हमें मिल गया 4/3। ठीक है जी, अब हमें मिल गया है a, हमें a मिल गया, हमारे पास में a है, दैट इज 4/3। हमारे पास पॉइंट क्या देके रखा है, किस पॉइंट से जा रहा है, ये बोल रहा है इस पॉइंट के लिए पैरामीटर पता करना है, दैट इज 3 और 4। तो अगर मैं देखूं तो ये x और y का काम करेंगे, तो मैं पहले काम करता हूं, पैरामीटर की इक्वेशन जो है हमारी, पैरामीटर की इक्वेशन जो भी है उसको लिख लो, पैरामीटर की इक्वेशन वो क्या है, x इज इक्वल टू 80² और y इज इक्वल टू 280, बस इतना है जी। ठीक है, अब क्या होगा, a की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह वैल्यू पुट करो 3, a की जगह पुट करो 4/3 और इसकी जगह पुट करो t², ऐसा कैसे। ठीक है, यहां y की जगह पुट करो -4, 2 का 2, a की जगह फिर से पुट करो 4/3 और ये t का t, क्या होगा 3 इधर आ जाएगा, 3 × 3 अपॉन हो जाएगा 4 और ये t² है, तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा अंडर रूट में ये 9/4 है, जो कि हो जाएगा ±3/2। तो t की दो वैल्यूज हो गई, दैट इज ±3/2। इधर से क्या आ रहा है, यहां 4 से 4 कट गया, 3 इधर आ गया, तो -3/2 इज इक्वल्स टू t, तो t क्या हो गया -3/2। तो हमें t की दो वैल्यूज यहां पर मिल गई है। ठीक है, एक बार एक +3/2 एंड -3/2। तो अब यहां पर मुद्दा क्या है, हमारे पास ये दो वैल्यू है, यहां पर एक वैल्यू, तो देखा जाए तो जो कॉमन वैल्यू वो उठा लो, तो यहां लिखो कि द पैरामीटर ऑफ द पॉइंट, यहां लिखो जैसे स्टेटमेंट है वैसे लिखो, द पैरामीटर ऑफ पॉइंट 3 - 4 इज -3/2, बस ये हो गया खत्म। ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन भी करना है, इतना पार्ट वैसा का वैसा लेके जाना पड़ेगा और इसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा
ये जो पार्ट है ये पार्ट ऐसा कैसा रहने वाला है, अगले क्वेश्चन में ये पार्ट आपको ऐसा कैसा सॉल्व करना है, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट है 27 एंड 12, ये क्या लेके रखा है 27 एंड माइनस 12। तो यार ये तो इतना तो आपको ऐसा कैसा सॉल्व करना है इसमें अगले वाले में, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, वो उसका सब क्वेश्चन है। तो यहां से लेके यहां तक तो आप ए ऐसे ही निकालोगे, तो मैं इसको ऐसा कैसा पीछे लिख लेता हूं कि भैया यहां पर हमारा ए क्या है, ए हमारा 4/3 है और एक्स हमारा क्या है 27 है, एक्स हमारा क्या है 27 है और वाई हमारा क्या है -12 है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन अपन लिख लेते हैं यहां पर, वो क्या है एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू 280। बेटा आपको ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है, वहां पर ये पार्ट आपको सॉल्व करना है, नहीं तो पता चला आपने इसको छोड़ दिया, अगले वाले में बोला कि ये सर कहां से आया। ये इतना पार्ट a इज इक्वल टू 4/3 इतना तो करना ही आपको, इधर का जो वैल्यू मैंने पुट किया, इधर का वैल्यू जो है वो हमको इसको सॉल्व करना है, बस खत्म। x की जगह पे मैं 27 रख देता हूं, है ना, x की जगह पे मैं 27 पुट कर देता हूं और जो है y x की जगह पे, a की जगह पर मुझे 4/3 पुट करना है और ये टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 27 × 3/4 बराबर टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर क्या हो गया 81/4 है, तो टी क्या हो जाएगा अंडर रूट 81/4 आएगा, मतलब प्लस माइनस 9/2 आ रहा है। इसके लिए क्या होगा, वाई आपका -12 है, टू ए आपका 4/3 है बराबर, तो ये 4 से अपन काट देते हैं इसको, इसको 4 से काट देते हैं, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 हो गया, -9/2 बराबर आपका यहां पर टी आ जाएगा। तो टी की आपकी दो वैल्यू कॉमन आ रही है, तो पैरामीटर ऑफ द गिवन पॉइंट, यहां लिखिए पैरामीटर ऑफ पॉइंट 27 माइनस 12 इज -9/2 हो गया जी। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, आराम से कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये है बड़ा सिंपल, मैं बता रहा हूं आपको, ये एक्सरसाइज का ना एक ही सीन है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको कुछ चीजें तो ऐसी देखने को मिलेगी यार कि मतलब लगेगा कि बड़ा कठिन है, लेकिन वो है कुछ नहीं वैसा, है ना, बड़ा थ्योरी बड़ी सी है, खतरनाक सी, पर है कुछ नहीं उसके अंदर, क्वेश्चन बड़े सिंपल है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या देखे रखा है, फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, आपको देखे रखा है, मतलब इस पैराबोला के ऊपर, है ना, हम इसका हमको फोकल डिस्टेंस निकालना, फोकल डिस्टेंस क्या होता है पता है आपको, पता नहीं है तो लिख लो, जो चीजें पता करना है वो पता होना चाहिए, वो x प्लस a होता है, तो यार इससे तो मैं a निकाल लूंगा, है ना। फिर क्या बोलता है, फाइंड द फोकल डिस्टेंस, मतलब हमको ये निकालना है ऑफ द पैराबोला, ये देखे रखा है हुज ऑर्डिनेट इज टू टाइम्स द एक्सिस, बहुत अच्छे, हुज ऑर्डिनेट, हुज ऑर्डिनेट इज टू टाइम्स द एक्सिस। देखो यार एक्सिस और ऑर्डिनेट का अर्थ समझ लो, है ना, पहली बात तो एक्सिस, एक्सिस मतलब क्या होता है, किसी को पता है एक्सिस क्या होता है, एक्सिस होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्सिस क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट मतलब वाई, ऑर्डिनेट मतलब वाई होता है। तो ये क्या बोल रहा है, हुज ऑर्डिनेट इज ट्वाइस द एक्सिस, क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है हुज ऑर्डिनेट इज ट्वाइस द एक्सिस, ये भाई साहब ने पहले ही बोल के रखा है, ये एक बात कर लो, इसको इक्वेशन एक कर लो, इसको इक्वेशन टू कर लो, y इज इक्वल टू क्या देख रखा है, ये देख रखा, अब मेरे पास x और y की वैल्यू में इससे निकालूंगा, मतलब ये वैल्यू में यहां पुट कर लूंगा, मुझे दो चीजें निकालनी है, फोकल डिस्टेंस निकालना है x प्लस a, तो यार फोकल डिस्टेंस मुझे a निकालना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर लूंगा किससे, इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर लूंगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो वहां से मुझे a मिल जाएगा, और इस इक्वेशन की वैल्यू जो है y इज इक्वल टू 2x में यहां पुट कर दूंगा, सो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ x, मुझे x मिल जाएगा, मुझे a मिल जाएगा, मैं यहां पुट कर दूंगा, मुझे फोकल डिस्टेंस मिल जाएगा, बस इतना सा काम है ना। तो ये जो मैंने लिख के रखा ना, इस पार्ट को अपन एक काम करते हैं, इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं, मैं इधर लिख देता हूं इसको, यहां क्या लिख के रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या इसको लिखो ही मत अभी, पहले अपन a निकाल लेते हैं, है ना, यहां लिखो, हियर हम जानते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4ax है, इक्वेशन सेकंड है ये, तो आप क्या करो 4a को 16 से कंपेयर कर लो, तो a क्या हो जाएगा 16/4 हो जाएगा,
तो ए क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, ए हमारा चार आ गया। अब यहां बोलो कि एज गिवन इन क्वेश्चन क्या दिया है, ऑर्डिनेट जो है वो ट्वाइस है इट्स एब्सिसा, ऑर्डिनेट मतलब वाई और एब्सिसा मतलब एक्स, ये इक्वेशन थ्री है। यहां लिखो पुट वाई इज इक्वल टू टू एक्स इन वन, ये आपको यहां पर पुट करना है। देखो मुझे ए मिल गया, मुझे फोकल डिस्टेंस निकालना ना, मुझे ए मिल गया, मुझे एक्स भी चाहिए, तो एक्स निकालने के लिए मुझे ए वैल्यू यहां पुट करता हूं। ये क्वेश्चन क्या होगा, y square is equals to 16x है, तो ये हो जाएगा 2x square is equals to 16x, तो ये हो जाएगा 4x square, 16x को इधर ले आओ is equals to 0, यहां से 4x common करो, यहां x minus 4 बचेगा is equals to 0, ठीक है ना। अब मेरे पास दो वैल्यूज आ रही है, मेरे पास एक आ रहा है 4x is equals to 0 और एक आ रहा है x minus 4 is equals to 0, बीच में अपन लिखेंगे और फैक्टराइजेशन में किया ना 10th में, तो मेरे पास x की एक वैल्यू आएगी 0 और यहां x आएगा 4। अब दो कंडीशन है मेरे पास में, तो फोकल डिस्टेंस में दो तरीके से निकालूंगा। यहां लिखो when x is equals to 0 and a is equals to 4, तो फोकल डिस्टेंस क्या होगा, x plus a होगा, मतलब x 0 और a 4, तो ये 4 हो गया फोकल डिस्टेंस। और जब x आपका 4 ले लो, हां when x is equals to 4 और a is equals to 4, तो फोकल डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा x plus a, तो 4 plus 4 तो हो जाएगा 8, that's it, खत्म हो गई बात, बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं हर क्वेश्चन में कुछ वैरायटी है, यहां हर क्वेश्चन में आपको वैरायटी मिलेगी। क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला, आपको पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट क्या पता नहीं है, ठीक है। अच्छा क्या बोलता है आगे, पैराबोला ऑल्सो फाइंड अ फोकल डिस्टेंस, आपको दो चीजें निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, नंबर एक में थोड़ा इधर रफ में लिख लेता हूं, हमको पहली बात निकालना है पॉइंट ऑन पैराबोला, पॉइंट ऑन पैराबोला निकालना है, दिख रहा है आखिर तक लिखा बराबर दिख रहा है, चलो ठीक है, दिखे नहीं दिखे समझ लेना। दूसरी बात यहां क्या है, फोकल डिस्टेंस निकालना है भैया, फोकल डिस्टेंस निकालना है, दो चीजें निकालना मुझे। तो पॉइंट मतलब एक्स वाई हुआ ना, पॉइंट मतलब तो एक्स वाई हुआ, कोई एक पॉइंट है एक्स वाई, इक्वेशन ऑफ ये क्या देख रखा है, दो चीजें देख रखी हमको, देख रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x और पैरामीटर देख रखा है, पैरामीटर मतलब क्या हो गया रही? क्या हो गया बेटा, पैरामीटर मतलब t। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एक्स वाई पता करना है और मेरे पास में t है, तो मैं जरा पैरामीट्रिक इक्वेशन पे ध्यान दूं या पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान दूं, तो वो क्या था, 80 स्क्वायर, क्या था वो, क्या था वो, क्या था वो, था दैट इज 80 स्क्वायर एंड 280। बस भैया मुझे इनमें वैल्यू पुट करना है, मुझे t की वैल्यू यहां पुट करना है और ये a की वैल्यू कहां से आएगी, इससे आएगी, इससे हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, t हमको दे के रखा है, हम a पैरामीट्रिक जो है इक्वेशंस ले लेंगे, उनसे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, है ना। तो वो जो पॉइंट्स आएंगे x और y जो आएंगे, वो पॉइंट्स होंगे वो 100% सेटिस्फाई करते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई जब हम इसका पैरामीटर t सपोज करके कोई भी वैल्यू निकालते हैं, कोई हर कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता है, तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या करेंगे, t और a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां क्या देके रखा है, यहां जो देके रखा है इसको इक्वेशन 1 दे दो, यहां लिखो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। फिर यहां लिखो कंपेयर 1 इनटू, यहां लिखो कंपेयर 1 इनटू, एक और दो को हम कंपेयर कर लेते हैं, एक और दो को कंपेयर करने के बाद क्या होगा, यहां हो जाएगा 4a जो हो जाएगा आपका 12 के इक्वल आ जाएगा, 4a अगर आपका 12 के इक्वल आता है तो होगा क्या, a आपका क्या हो जाएगा 12/4, और a अगर आपका 12/4 होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो a हमारा 3 हो जाएगा, a हमारा 3 हो जाएगा। अब मेरे पास में क्या है, मेरे पास में a जो है वो 3 है, मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे दो चीजें निकालना है, पॉइंट ऑन द पैराबोला यहां से निकल जाएगा, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, फोकल डिस्टेंस होता है x plus a होता है, तो भैया x यहां से निकल जाएगा, इससे जब हम इधर से x की कोऑर्डिनेट निकालेंगे वो, और जो a ऑलरेडी निकला है वो, इनको उठा के प्लस मार देंगे, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो यहां क्या करते हैं, यहां t is equals to 1/3 लिख लो, अच्छा x किसके इक्वल है, at square के इक्वल है,
और y किसके इक्वल है, 2at के इक्वल है, सबके वैल्यू पुट कर दो, x का x a की जगह 3, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो ये 3, 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3 कट गए, तो x आ गया भैया 1 अपॉन 3, पहला काम हो गया। y निकालते हैं, 2a, a की जगह क्या है 3 है और t की जगह 1 अपॉन 3 है, फिर से कट गया, तो y क्या आ गया 2 आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए अपने एक्स वाई के, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1/3 एंड 2, ये पहला काम हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, पहला तो मैंने निकाल लिया ये वाला, मुझे फोकल डिस्टेंस निकालना है। भैया फोकल डिस्टेंस क्या होता है, फोकल डिस्टेंस होता है x प्लस a, तो x कितना है 1/3 और a कितना है 3, तो 3 × 9 और ये 10/3 हो गया, ये आपका फोकल डिस्टेंस निकल गया। कुछ भी नहीं है इसमें यार, मतलब क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बट सिर्फ आपको समझ लेना है कि हाँ भैया यार ये ऐसा है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आइए दोस्तों इसी क्वेश्चन का अगला वाला पार्ट करते हैं, मतलब ये क्वेश्चन 8 चल रहा है और क्वेश्चन 8 का ये दूसरा पार्ट है, मतलब इसका सब क्वेश्चन है। बेटा देखो वही है, पूरा का पूरा वही है, यहाँ सिर्फ इक्वेशन बदली है। इक्वेशन ये थी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x और 1/3 पैरामीटर दिया था, यहाँ पर इक्वेशन दिए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y² इज इक्वल्स टू 7x और पैरामीटर देके रखा है। इक्वेशन क्या देके रखी है हमको, देके रखी 2y² इज इक्वल्स टू 7x, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 7/2x इक्वेशन 1, और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax से x को कंपेयर कर लो, ठीक है ना, यहाँ लिख दो कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4a आपका 7/2 होगा बेटा, तो a क्या हो जाएगा 7/2 × 4, तो a आपका 7/8 हो गया। हमको दो चीज़ें निकालना है यहाँ पर, एक तो कोऑर्डिनेट्स निकालना है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला पहली बात, और फोकल डिस्टेंस निकालना, वही करना है, ठीक है। पैरामीटर देके रखा हमको, हमने a निकाल लिया है 7/2, हमें पैरामीटर देके रखा t -2 हम पैरामीटर इक्वेशन लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 80² और y इज इक्वल्स टू 280, है ना, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स बोलो जो भी बोलो, तो x का x a की जगह पर में 7/8 है, नॉट 2, इट इज 7/8, तो a की जगह 7/8 और t स्क्वायर क्या है, t है -2, तो दो बार -2 लिख दो, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और दो दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा 7/8 × 4, तो कट जाएगा ये 7/2 हो जाएगा, ये आपका x हो गया। y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल्स टू 2, a की जगह अगेन 7/8 और t की जगह -2, तो y क्या हो जाएगा 2 से कटेगा 4 टाइम्स और ये कट गया और एक बार, तो 7/2 होगा और ये माइनस आगे लग जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 7/2 एंड -7/2, ठीक है। एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हो गए दैट इज 7/2 एंड -7/2, ये पहला काम हो गया। हमको क्या निकालना है, और फोकल डिस्टेंस भी निकालना है, तो फोकल डिस्टेंस क्या होता है भाई, फोकल डिस्टेंस होता है x प्लस a, तो x के कोऑर्डिनेट क्या है 7/2 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 7/8 है, कितने हैं 7/8 है। बेटा देखो इसके अपॉन में 8 है, इसके अपॉन में 2 है, मुझे दोनों को अपॉन में 8 लाना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ नीचे ऊपर दोनों जगह पर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया 7 × 28/8 और ये 7/8, तो हो गया ये 8 × 8 और 28 × 7 हो गया 35, तो ये आपका फोकल डिस्टेंस हो गया 35/x। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपको कि यहाँ पर हमको पैराबोला का इक्वेशन देके रखा था और पैरामीटर देके रखा था, हमको दो चीज़ें निकालना थी, हमको वो पॉइंट निकालना था पैराबोला के ऊपर, जब भी पॉइंट निकालना हो, जब भी पॉइंट निकालना हो और ऐसी कंडीशन आएगी तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन की ही मदद हम लेंगे, है ना, जो पैरामीट्रिक फॉर्म है इसका उसकी ही मदद लेंगे, और क्योंकि पैरामीटर देके रखा है तो उसको लाना ही है ना। एक और चीज, जब पैरामीटर दिया है तो ये तो आना ही है, और तो दिया काय के लिए, उसको यूज़ करना है ना, तो दिया है उसको तो उसके हिसाब से यूज़ करेंगे, तो ये काम तो हम पहले भी कर रहे थे कि ये निकाल रहे थे और पैरामीटर का यूज़ करके, हमको इन दो को स्पेशली यूज़ कर लेना है, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 80² और वाई इज इक्वल्स टू 280, ठीक है। बस चलो स्क्रीनशॉट ले लो फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, हर बार की तरह ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, और इस क्वेश्चन में क्या दे के रखा थोड़ा समझ लो। ये बोलता है कि द फॉर द पैराबोला, हमें पैराबोला देके रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देके रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, पहला काम तो ये हो गया। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ओके कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट निकालना है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, हुज फोकल डिस्टेंस इज गिवन। अच्छा यहाँ पैरामीटर नहीं दिया, यहाँ दो चीज़ें दी, यहाँ हमको दिया है क्या दिया है
एक तो पैराबोला दिया है, पहली बात पैराबोला देके रखा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और फोकल डिस्टेंस देके रखा, दो चीजें देके रखी है ना, क्या देके रखा, दो चीजें, पहली चीज क्या है, पहला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और फोकल डिस्टेंस देके रखा है, फोकल डिस्टेंस देके रखा है, फोकल डिस्टेंस क्या है भैया, 17 है। हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट निकालना है, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ये हमको निकालना है। तो मुद्दा ये है कि भैया मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट निकालना है, मतलब मुझे एक्स वाई निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे एक्स और वाई निकालना है। तो यार एक्स वाई में कैसे निकालूंगा भाई, देखो मेरे पास ये दे के रखा है, यहां से मैं ए निकालूंगा, फोकल डिस्टेंस मेरा क्या होता है, एक्स प्लस ए होता है, एक्स प्लस ए मेरा फोकल डिस्टेंस होगा, मैं जो ए निकालूंगा वो मैं यहां पुट करूंगा, तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, उस एक्स की वैल्यू अगर मैं वापस यहां पुट कर दूं तो मुझे वाई भी मिल जाएगा, और एक्स और वाई मिल जाएगा तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, मतलब यहां पैरामीटर वाले की जरूरत नहीं है ना, यहां पैरामीट्रिक फॉर्म की जरूरत नहीं है, यहां यहीं के यहीं सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा इधर से उधर घूमना है बस। तो ये इसको इक्वेशन वन दे दो, इसको अपन कंपेयर कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax से, ये सेकंड हो गया, तो कंपेयर करो 4a जो है वो 4 के इक्वल है, तो a आपका 1 आ गया, पहली बात तो आपका a 1 हो गया, अगर आपका a 1 हो गया तो यहां पुट कर दो, x प्लस 1 बराबर 17, तो आपका x क्या हो गया भैया, 17 में से 1 चले गया, 1 उधर चले गया, तो x आपका 16 आ गया, दूसरी बात हो गई, दो काम हो गए। अब मुझे क्या करना है, मेरा अगर ये 16 आ गया तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं ना x की वैल्यू 16 है ना, तो यह लिखो, पुट x इज इक्वल टू 16 इन 1, भाई एक कोऑर्डिनेट आ गया तो दूसरा निकालने के लिए हमेशा ऐसे ही करना, हमेशा यही करना बेटा ना, अगर पहला इक्वेशन कोई भी चाहे आपका जो भी आता है आपको दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना तो ऐसे ही करना पड़ेगा कि मेन जो इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो 4x, तो ये हो गया 4 × 16, तो ये क्या हो गया 16 × 64, ये क्या हो गया 16 × 64 हो गया, तो y क्या हो गया √64 हो गया, तो y हो गया आपका ±8। मेरे प्यारे बच्चों अगर ये ±8 तुम्हारा आता है तो यू हैव टू कोऑर्डिनेट्स, पहला तो आपका x आ जाएगा, एक एक्स वाई आपका क्या आएगा, एक्स वाई आपका आ जाएगा, दैट इज x की जगह 16 रख दो और y की जगह ±8 रख दो, ±8 ये आपका आंसर है, ठीक है ये आपका आंसर है। अब इसके बाद में वो और भी कुछ पूछ सकता है आपसे, इसके बाद अगर वो पैरामीटर पूछे इसी क्वेश्चन में, इसके बाद बोले कि पैरामीटर फाइंड करो, तो फिर आप क्या करोगे, आप लिख दोगे x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 280, और यहाँ आपके पास x और y की वैल्यू है, a की भी वैल्यू है, पुट कर दो तो t की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना, ऐसे सब कनेक्टेड होता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सिंपल सा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको कनेक्शंस जोड़ते आना चाहिए और वो हो जाएंगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे ना सब हो जाएगा, हम ऐसे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करके आराम से बढ़ेंगे, आगे चिंता वाली कोई बात ही नहीं बेटा, ठीक है चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या देके रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम। मैंने बताया था आपको लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम दो ही होती है, एक तो 4a होती है मॉड्यूलस में या 4b होती है, हमको ये पता करना है। अब यार ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो डेफिनेटली हमको ये वाली लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम निकालना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, बहुत अच्छे, इक्वेशन क्या देके रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ओके, एंड क्या देके रखा है, पासिंग थ्रू इस पॉइंट से होके जा रहा है, किस पॉइंट से होके जा रहा है, 2 − 6 से, क्या मतलब क्या है इसका, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दो पॉइंट अगर मैं यहां पुट करूं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, अब सेटिस्फाई करेंगे मतलब क्या आएगा, मुझे क्या निकालना है, मुझे लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम निकालना है, मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम मुझे निकालना है, जो कि 4a होगा इस केस में मॉड्यूलस में, मुझे ये निकालना है। तो मुझे यहां से अगर मैं यहां पुट कर दूं x और y की वैल्यू तो मुझे यही मिल जाएगा, तो पुट कर दो यार, किसने रोका है तुमको, y की जगह पर पुट कर दो −6² 4 × 4 a का a और x की जगह 2, ये हो गया 36, 4 × 2 = 8 a है ना, 4 × 2 = 8 है, या फिर ऐसे लिखो जैसा लिखा था कि 4 × 2 × a, तो काट दो इसको, इसको काट दो, 4 × 9 = 36, तो a क्या हो गया आपका, ये 9/2 आपका a हो गया, तो भैया a की वैल्यू 9/2 आ गई, बस हो गया काम मेरा, मेरी a की वैल्यू 9/2 है, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम क्या होगा, 4 × 9/2, ठीक है ना, 4 × 9/2 मतलब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार, 9 × 2 = 18, ये लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम आ गई 18, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या देके रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटर रेक्टम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सबसे पहले काम करते ना कि जो देके रखा वो बनाते हैं, तो यार मैं इसको x एक्सिस बना लेता हूँ
और इसको मैं y एक्सिस बना लेता हूँ। पहला काम तो मेरा ये हो गया, पहला मेरा काम ये हो गया कि x और y एक्सिस बन गया। थोड़ा तिरछा लग रहा है, थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये x और y बन गया। अब क्या बोल रहा है मुझे पहले बताओ, पैराबोला बेटा क्या है? देखो पैराबोला है दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। पहले जरा पैराबोला बनाए फिर बाद में चीजों को समझते हैं। ये कहाँ बनेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y पक्का ये इस साइड बनेगा। हाँ जी, ये पैराबोला बन गया। सही नहीं दिख रहा पर ठीक है, समझ लो कि ये पैराबोला है क्योंकि ये ऊपर से जा रहा ना, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by के फॉर्म में है। ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम। लेट्स से कि यहाँ पर ये एस है और लेटस रेक्टम जो है हमारा वो का है, ये हमारा लेटस रेक्टम हो गया। तो मैं ये वर्टेक्स यहाँ पर ओ है तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे और इसको ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे। तो भैया मुझे क्या करना है, मुझे ना ये जो ट्रायंगल है ना, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये जो ट्रायंगल है ना, मुझे इसका एरिया निकालना है जो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा? मेरे पास एक कोऑर्डिनेट तो भैया है 0 0, ये मेरे पास 0 0 है। मुझे एंड पॉइंट्स ऑफ लैटरस रेक्टम निकालना पड़ेंगे, है ना, और मुझे फोकस निकालना पड़ेगा। फोकस क्या होगा? ये 0 b होगा, फोकस 0 b 0 b होगा। तो मैं b की वैल्यू तो यहाँ से निकाल लूँगा, मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है और लेंथ ऑफ लैटरस रेक्टम निकालना है, 1/2 बेस इंटू हाइट करना। अगर देखा जाए ट्राइंगल को पलटा दूँ तो ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, ये डिस्टेंस 1/2, ये 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह अपन ये ले लेंगे एल और एल डैश, ठीक है ना। और ये कैसे आएगा? लेंथ ऑफ लैटरस रेक्टम निकाल लो, काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ लिखो इसको, इक्वेशन 1 दो और यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया है। लिखो कंपेयर, क्या करोगे? 4b को y 12 से कंपेयर कर दो तो b आपका क्या आ जाएगा? 12/4। तो b क्या आ जाएगा? b आ जाएगा आपका 3, ठीक है जी। अब मुद्दा क्या है, मेरे पास b आ गया, ये तो ये 0 और 3 हो गया। ये क्या हो गया? 0 और 3 हो गए, इसके कोऑर्डिनेट 0 3 हो गए। तो जो हमारा OS है, OS क्या होगा? OS क्या होगा? OS होगा हमारा, ये डिस्टेंस कितना है? OS हमारा B के इक्वल है और B कितना है? 3 के इक्वल है। तो OS हमारा 3 हो गया, पहली बात। अब मुझे ये OS मुझे मिल गया है 3, है ना, क्योंकि ये फोकस 0 3 है ना, तो ये 3 होगा वाई एक्सिस के ऊपर। अब मुझे एल एल डैश निकालना है, तो यह लिखो लेंथ ऑफ एल एल डैश, मतलब क्या हो गया? ये 4b हो गया ना, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो गया। 4b क्या हो जाएगा? 4 × 3, तो 4 × 3 = 12 हो गए, ये 12 हो गया। भैया ये 12 क्या हो गया? ये एल एल डैश 12 हो गया आपका। तो यहाँ लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एल एल डैश इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट। अच्छा यहाँ 1/2 बेस कितना है? बेस आपका यहाँ पर एल एल डैश है और हाइट आपकी क्या है? OS है। वैल्यू पुट कर दो भैया, 1/2 एल एल डैश 12 है और OS आपका 3 है। ये कट गया 6 × 6 = 18 आंसर आ गया आपका, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखो, एरिया निकाला, एरिया पूछा है तो उसको स्क्वायर यूनिट लिख दो, ठीक है ना। लेंथ पूछे तो यूनिट लगा दिया करो, एरिया पूछे तो स्क्वायर यूनिट निकालो। क्या है इसके अंदर? देखने में खतरनाक दिख रहा था पर है कुछ नहीं। हमको क्वेश्चन देके रखा था, हमने यहाँ से पैराबोला देके रखा था, यहाँ से हमने बी निकाला, हमने फोकस निकाल लिया, ये डिस्टेंस निकाल लिया, ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया, है ना। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर पाओगे ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते भैया, एकदम सीधा सीधा कोई नहीं पूछेगा, घुमा के पूछेगा, पैरामीटर वाले फॉर्म में या इस फॉर्म में ऐसे घुमा के पूछेगा, मजा आएगा बहुत। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, क्योंकि मिलियन पे आप ही लोग लेके जाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहे पवन भाई एकेडमी, धन्यवाद।